दोस्तों, मेरा नाम है आशीष शुक्ला और आपका फिर स्वागत करता हूँ अपने चैनल आशीष डायरी में। और आज हमारे यहाँ दोस्तों, यहाँ बिठूर में आरओ फाउंडेशन के नाम से यहाँ पे चलता है, जो कि वृद्ध लोगों के लिए चलता है यहाँ पे। वहीं पे आज हम आए हैं और ये आप हमारे चारों तरफ देख सकते हैं, ये काफ़ी सुंदर बना हुआ है। और चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं और आपके सामने पेश करते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पे कैसी फैसिलिटीज़ हैं और कैसे क्या है, कैसे क्या नहीं होता है। चलिए शुरू करते हैं। इसी फाउंडेशन के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे गौशाला भी है और यहीं से रोज़ दूध यहाँ पे दुहा जाता है और यहाँ पे सबको दिया जाता है। टी हो गया, कुछ भी हो गया, लस्सी वगैरह सब कुछ हो गया, तो इन्हीं से दूध निकाल के सबको दिया जाता है। ये दोस्तों आप पीछे देख सकते हैं, हमारे इसी फाउंडेशन के अंदर एक मंदिर भी बना हुआ है, जो कि शंकर जी का मंदिर है और बहुत ही अच्छा मंदिर है। ये आप देख सकते हैं पूरा मंदिर, और धीरे धीरे ऐसे एक्सप्लोर करेंगे और आपके सामने रखेंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों हम अंदर आ चुके हैं, एक और मंदिर है यहाँ पे, और यहीं पे जो यहाँ पे सीनियर सिटीजन लोग रहते हैं, यहीं पे आके योगा करते हैं और रोज शाम को यहाँ पे रामायण भी होती है। और ये आप देख सकते हैं, ये गायत्री देवी का ये प्रतिमा यहाँ पे है, मूर्ति है, और ये काफी सुंदर है पूरा मंदिर, ये आप देख सकते हैं। ये तो अभी दोस्तों हम एक कमरे में आए हैं और ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये पूरा ये, और इसमें आपको अतुल पाल बताएंगे कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। और ये अतुल पाल जी हैं, चलिए इनसे पूछते हैं कि, और ये आप देख सकते हैं ये बेड शीट है पूरी, ये पूरी बेड शीट है और ये पूरा रूम है जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसके बारे में कोई पैक वगैरह बता रहे हैं अतुल पाल जी इसके ये जो बारे? हमारा पैक है ये जी 12,500 प्रति मंथ का है, सिंगल जी बेड तो का। दोस्तों इनसे पूछते हैं कि ये जो बेड है ये, और ये पूरा जो कमरा है, जो यहाँ की पूरी फैसिलिटीज़ है, एसी वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये पूछते हैं इनसे अतुल पाल जी से कि ये सिंगल बेड का सिर्फ कितना बताया था भाई? सिंगल बेड का भैया 12,500, ये डबल आप लेंगे तो 12,500। पड़ेगा। और यहाँ पे डबल बेड पड़ा है, तो मेरे मन में आया कि अगर यहाँ पे कोई सिंगल आता है 12,500 पड़ते हैं, अगर कोई डबल आता है तो कितने पड़ते हैं? चलिए पूछते हैं 25,000 का पैकेज। और जी। दोस्त तो देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आते हैं सिंगल तो आपको 12,500 देने पड़ेंगे, अगर आप डबल आते हैं, दो लोग आते हैं, तो आपको 25,000 पे करने होंगे और आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। और ये दोस्तों देख सकते हैं इसी आरओ के अंदर ये यहाँ पे पार्लर भी है, जो कि ये आपको उसी में मिलेगा, जो आपको 12,500 का जो पैकेज होगा उसी में सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। और चलिए दोस्तों आगे आपको भी दिखाते हैं और भी। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये बाथ, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बाथ टब भी है। और दोस्तों आगे आपको ले चलते हैं और भी आपको दिखाते हैं। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ मसाज करने के लिए भी यहाँ पे उपलब्ध है, अगर आप आते हैं। ये देख सकते हैं आप पूरा कमरा यहाँ पे। और आगे दोस्तों आपको दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे जिम करना भी चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। सारे सामान आपको यहाँ पे उपलब्ध मिल जाएंगे,
ये आप देख सकते हैं पूरा, ये सारी मशीनें रखी हुई हैं यहाँ पे, और ये भी देखिए, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप यहाँ पे पूरा रुपया पे करते हैं तो आपको सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ये आप देख सकते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं पीछे पूरी लाइब्रेरी है ये, और यहाँ पे ये बाबा जी हैं जो कि ये किताब पढ़ रहे हैं, और इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे कैसी आपको फैसिलिटीज़ मिल रही बाबा जी, और कैसा क्या है, आपको सब कुछ अच्छे से हो रहा? हाँ, यहाँ पुस्तकालय है। जी पुस्तकालय में 3,000 पुस्तकें हैं, आध्यात्मिक भी है और तरह की भी हैं। यहाँ के जितने मेम्बरान हैं वो यहाँ आके पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी में उपयोग ले सकते हैं। लाइब्रेरी सुबह से 8 बजे रात तक खुली रहती है। और बाबा जी ये बताइए कि आपको जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, खाना पीना सब कुछ सही इस टाइम पर, सब कुछ अच्छे से मिल हाँ, रहा हर है? यहाँ पूरी एक कैंटीन है जिसमें काफ़ी लंबा स्टाफ है जो सुबह से रात तक नाश्ता खाना और ये सब की सेवा देता है, बहुत ही उचित। और वहाँ के कर्मचारियों का व्यवहार बहुत अच्छा है। थैंक यू। तो आपने देखा दोस्तों, अभी ये सीनियर सिटीजन अभी बाबा जी थे, उनसे हमने अभी इंटरव्यू लिया यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ का, और आपको पता हो गया होगा कि यहाँ पे अगर कोई आता है तो यहाँ पे कभी किसी चीज़ का दुख नहीं होगा, चाहे वो कर्मचारी हो यहाँ पे, चाहे जो कुछ भी हो, आपको पूरी फैसिलिटीज़ अच्छे से दी जाएगी। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मंदिर भी है, जो कि ये बजरंगबली जी का मंदिर है यहाँ पे। और ये दोस्तों यहाँ पे एक, ये अतुल पाल जी बता रहे हैं कि ये जो अखंड ज्योत जल रही है, ये 7 से 8 महीने से बराबर जल रही है, और यहाँ पे सुंदरकांड का यहाँ पे पाठ भी होता है, रोज रोज होता है ना भाई, हर मंगलवार को यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ भी होता है। और आप देख सकते हैं मंदिर पूरा, ये काफी अच्छा मंदिर बना हुआ है ये। और ये दोस्तों पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे थिएटर भी है, जो कि मूवी देखने के लिए यहाँ पे सीनियर सिटीजन लोग यहाँ पे मूवी बैठकर देखते हैं यहाँ पे। और ये आप पूरी थिएटर पूरा देख सकते हैं, ये काफ़ी सुंदर दोस्तों यहाँ पे बना हुआ है। और अगर कोई 12,500 रुपया यहाँ पे करता है तो उसके बेकार नहीं जाएंगे, इतनी तो गारंटी मैं दे रहा हूँ। और यहाँ पे हर चीज़ की आपको फैसिलिटीज़ मिल रही है, देख सकते हैं आप, पूरी वीडियो आपने देखी होगी, आपको समझ में भी आ गया होगा कि यहाँ पे कितनी फैसिलिटीज़ हैं, कितनी क्या नहीं है। और ये दोस्तों अभी हम यहाँ पे छत पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं ये, और ये आप पूरा आरओ देख सकते हैं ऊपर से, आपको दिखाते हैं यहाँ से, ये पूरा आरओ जो पीछे हमारे दिख रहा है ये पूरा आरओ है, ये आरओ फाउंडेशन है पूरा यहाँ पे, जो कि बिठूर में है। और इसका अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो मैं मैप से इसका लोकेशन दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में नीचे। और चलिए आपको कुछ और भी शॉर्ट्स दिखाते हैं, ये रहे।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गार्डन भी है जो कि बहुत ही अच्छा है, और यहीं पे सारे सीनियर सिटीजन लोग और यहीं पे आते हैं। आपको दोस्तों बता दें, ये पूरा आरओ फाउंडेशन पूरा सीनियर सिटीजन पे बना हुआ है, उन्हीं के लिए बना हुआ है, और सारी फैसिलिटीज़ ये उन्हीं को मिलती हैं जो सीनियर सिटीजन लोग होते हैं यहाँ पे, जो लोग आते हैं यहाँ पे रहते हैं। और ये आप पूरा देख सकते हैं पीछे हमारे, ये पूरा आरओ है ये, और ये पूरा गार्डन है यहाँ पे, और यहाँ पे छोटा सा ये देख सकते हैं आप, ये फव्वारा भी लगा हुआ है यहाँ पे ये, और ये पूरा आप सीन देख सकते हैं पीछे। दोस्तों आप लोगों को ये आरओ फाउंडेशन कैसा लगा तो ये भी बताना, और यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे ये जो आप सब कुछ देख रहे हैं पीछे, ये कमरे हैं जो कि नंबर 22 नंबर बटे हुए हैं चारों तरफ। ये आप पूरा जहाँ पे देखेंगे ये नंबर 22 पूरा कमरा कमरा दिखेगा आपको चारों तरफ। और दोस्तों आपको आई होप मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ दोस्तों, अगर हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ये IDR इस पे फॉलो कर लेना। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, आशीष डायरी। धन्यवाद, जय हिंद।